नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिजनेस की बात प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ वंदना शर्मा। कोरोना से जहां देश और दुनिया की इकोनॉमी को लगातार झटके लग रहे हैं, रेटिंग एजेंसियां रेटिंग घटाती जा रही हैं, वहीं इसी बीच एक बहुत अच्छी खबर है। बात की जाए मौजूदा वित्त वर्ष की, तो अभी कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव रहेगा और भारत की ग्रोथ रेट भी नेगेटिव रहेगी। लेकिन अगले वित्त वर्ष अर्थव्यवस्था तेजी से बाउंस बैक कर सकती है। बुधवार को फिच रेटिंग्स के अनुसार अगले वित्त वर्ष यानी FY22 में भारत की GDP की ग्रोथ रेट 9.5% रह सकती है। बुधवार यानी 10 जून को फिच रेटिंग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत के फाइनेंशियल सेक्टर की हालत अगर आगे और खराब ना हो तो ग्रोथ रेट में जबरदस्त तेजी आ सकती है। हालांकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से फिस्कल ईयर 2020-2021 में ग्रोथ रेट पर काफी दबाव है। इस फिस्कल ईयर में फिच का अनुमान है कि ग्रोथ रेट में 5% तक कमी आ सकती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि महामारी के चलते भारत का ग्रोथ आउटलुक कमजोर हुआ है और कर्ज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे आगे भी चुनौतियां रही। अगले फिस्कल ईयर के लिए GDP ग्रोथ 9.5% रहने का अनुमान जताते हुए फिच रेटिंग्स ने कहा कि ग्लोबल क्राइसिस के बाद भी GDP ग्रोथ BBB कैटेगरी के ऊपर आ सकती है, लेकिन इसके लिए फाइनेंशियल सेक्टर की सेहत बिगड़ने से बचाना होगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए देश में 25 मार्च से दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन लागू किया गया था। ये लॉकडाउन कई चरणों में चला और इसके चलते आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप पड़ गई। 60 दिन के कड़े लॉकडाउन के बाद 4 मई से कुछ छूट दी गई, लेकिन देश में अभी भी COVID-19 बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी 2 बार ब्याज दरों में कटौती की। दूसरी ओर फिच एजेंसी ने सरकार के इस पैकेज को लेकर कहा है कि GDP के 10% हिस्से के बराबर का पैकेज जारी किया गया है, लेकिन असल में उसकी ओर से GDP के 1% हिस्से के बराबर का ही खर्च होने वाला है। गौरतलब है कि फिच समेत वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी कई एजेंसियों ने भारत की ग्रोथ रेट में कोरोना के चलते बड़ी गिरावट की आशंका जताई है। आपको बता दें कि भारत में बुधवार दोपहर तक कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 2,77,514 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,35,310 लोग ठीक हो चुके हैं और 1,34,434 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। वहीं इस महामारी से 7,755 लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे नए यूजर हैं, हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट जानना चाहते हैं तो तुरंत ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही हर अपडेट की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।